बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के बाद जाहिर है अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की, लेकिन वर्टिब्रेट्स की एक्सक्रीशन की डिटेल्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, तारीखी पस मंज़र के किस तरह से थोड़ा सा इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से आज हमें चेंजेस नज़र आती हैं इन वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में और उनके एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस में चेंजेस नज़र आती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें और थोड़ा सा रिकॉल करें तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो प्रॉपर एंसेस्टर्स हैं वो एनिलिड्स हैं, और एनिलिड्स में जो सबसे अहम एनिमल्स हैं वो हैं अर्थवॉर्म। तो बेसिकली अर्थवॉर्म और दूसरे एनिलिड्स में इस तरह की चेंजेस आईं कि जिसकी वजह से ये इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो हैं वो बने। तो लिहाजा जो एक्चुअल हमें बिगिनिंग मिलती है इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वो अर्थवॉर्म से मिलती है। अर्थवॉर्म के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं कि अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जिनको हमने नाम क्या दिया था, मेटानेफ्रीडिया, दे आर सेगमेंटली अरेंज्ड। ये सेगमेंटली अरेंज्ड है। सेगमेंटली अरेंज्ड का मतलब क्या है, उस दिन भी हमने डिस्कस की थी, हमने कहा था कि जो ये अर्थवॉर्म है इसकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, एंड ईच कंपार्टमेंट, ईच सेगमेंट हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। हर एक के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द अर्थवॉर्म आर सेगमेंटली अरेंज्ड। तो उस वक्त जब एनिलिड्स बने, डेवलप हुए, उस वक्त ये सूरत हाल थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस जो हैं वो चलते रहे और इकाइनोडर्मेट्स आए और उसके बाद इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स आए। तो तब तक क्या हुआ कि हैग फिशेज स्पेशली उसमें हमें नज़र आते हैं, उन्होंने क्या किया कि किडनीज़ डिवेलप कर लिए, उन्होंने किडनीज़ डिवेलप कर लिए। लेकिन जाहिर है कि जो किडनीज़ हैं इनके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो किडनीज़ के अंदर जो स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स थे, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स थे या उसको हम कह सकते हैं कि ये ट्यूब्यूल्स थे, तो ये ट्यूब्यूल्स क्या थे, दे वर ऑल्सो सेगमेंटली अरेंज्ड, ये भी सेगमेंटली अरेंज्ड थे। लेकिन चेंज क्या आ गई, यहाँ तक आते आते चेंज ये आ गई कि किडनीज जो हैं ये डेवलप हो गए, ट्यूब्यूल जो हैं उसी तरह से सेगमेंटली अरेंज्ड थे जस्ट लाइक अर्थवॉर्म एनिलिड्स, लेकिन अब किडनीज जो हैं ये डेवलप हो गए। इसके पैरेलल हैग फिशेज जो कि बहुत प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, तो उसके पैरेलल जो है कुछ और इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है चलता रहा वर्टिब्रेट्स में, और बाकी जो वर्टिब्रेट्स थे उन्होंने भी क्या डिवेलप कर लिए, किडनीज डिवेलप कर लिए। लेकिन अब चेंज इनके अंदर क्या चेंज आई, इनके अंदर ये चेंज आई कि इन्होंने किडनीज डेवलप किए लेकिन इनके जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स थे विद इन द किडनीज थे और वो सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं थे। जैसा कि अब अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे अंदर भी किडनीज हैं और किडनीज के अंदर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रॉन्स का, और ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये विद इन द किडनीज मौजूद हैं और ये सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं है। तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इवोल्यूशनरी चेंजेस आईं और जो वर्टिब्रेट्स थे
उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम वो डिफरेंट होता चला गया एज कम्पेयर टू इन्वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। जिस तरह से हमने पहले इन्वर्टिब्रेट्स में कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स जो हैं वो सिलेक्ट किए थे और उनमें एक्सक्रीशन जो है उसको हमने डिस्कस किया था, इसी तरह से वर्टिब्रेट्स में हमने सिलेक्ट किया है ह्यूमंस को और हम देखेंगे कि ह्यूमंस में ये एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। तो ये जानने के लिए कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड विद इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमंस। ये आप जानते हैं बच्चों कि जो लाइफ है दैट हैज़ केमिकल बेसिस, क्योंकि कोई सेल ऐसा नहीं है जिसमें केमिकल रिएक्शंस ना होते हों और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में लाइफ प्रोसेसेस ना होते हों, और उनके बगैर जाहिर है ना सेल जिंदा रह सकते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लाइफ हैज़ केमिकल बेसिस, और जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उन केमिकल रिएक्शंस के मजमूए को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और उनकी वजह से जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। जब ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, ख़ास तौर पे कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स लार्जर सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, तो उस वक़्त कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये चूँकि कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो के हिस्सा है मेटाबॉलिज्म का, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट का। अब कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो ह्यूमंस की बॉडी में बनते हैं, उनकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखें, ये क्या है जी, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को कहाँ से मिलते हैं? व्हेन वी ईट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड विद इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड व्हेन देयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड ऑल ऑफ द प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आते हैं, ब्लड से होते हुए सेल्स में जाते हैं। व्हाट द सेल्स डू विद दीज अमाइनो एसिड्स, इन अमाइनो एसिड से या तो सेल्स एनर्जी हासिल करते हैं या फिर उनकी मदद से जो उनकी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं उनको बनाते हैं, लेकिन जो सरप्लस अमाइनो एसिड्स होते हैं वो फिर लिवर में जाते हैं और लिवर में जो है उनकी ब्रेकडाउन होती है, और ब्रेकडाउन के नतीजे में वहाँ पे जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है बाय अ साइक्लिक एक्टिविटी यूरिया साइकिल। तो ये जो यूरिया है ये क्या है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। किससे ये बना है, अमाइनो एसिड्स। फिर न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है आरएनए होता है, उनकी ब्रेकडाउन होती है तो एक और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, कौन सा, यूरिक एसिड बनता है। फिर इसी तरह से मसल क्रिएटाइन, एक्चुअली ये क्या है, ये मसल प्रोटीन है, हमारे मसल्स में एक प्रोटीन है जिसको मसल क्रिएटाइन कहा जाता है। तो समटाइम्स व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन especially aerobic and anaerobic respiration is unable to provide the required amount of energy to the body in certain extreme physical conditions, तो उस वक़्त हमारे जो muscles में protein है जिसको muscle क्रिएटाइन कहा जाता है उसकी ब्रेकडाउन होती है और उससे एनर्जी मिलती है हमारे muscles को, और उस वक़्त एक metabolic waste produce होता है जिसका नाम है creatinine। फिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की भी ब्रेकडाउन होती है लिवर में, लेकिन ये हीमोग्लोबिन कहाँ से आता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड में उनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ फ्रॉम 90 to 120 days, 90 से 120 डेज तक होता है। उसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे कम टू द स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये क्या चीज़ है, स्प्लीन एक लिम्फेटिक ऑर्गन है स्प्लीन, और ये लिवर के बाहर मौजूद होता है,
और यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स आते हैं, यहाँ पे उनकी ब्रेकडाउन होती है, और जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है तो उनमें से हीमोग्लोबिन निकलता है, और वो हीमोग्लोबिन जो है वो फिर लिवर में दाखिल होता है, लिवर उस हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन करता है, और ब्रेकडाउन करने से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका नाम है बिलिरुबिन। फिर इसी तरह से हार्मोन्स हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन जाहिर है जो हार्मोन प्रोड्यूस हो गया है वो होल ऑफ द लाइफ तो हमारे ब्लड में नहीं रहता, एक लिमिटेड टाइम है तब तक रहता है, उसके बाद उसकी भी ब्रेकडाउन हो जाती है, उसके भी जब ब्रेकडाउन होती है तो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनको मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स कहा जाता है। इसी तरह से कुछ जो ये वेस हैं वो हमारे इंजेशन की वजह से भी होते हैं हमारी बॉडी। इंजेशन मींस टेकिंग इन ऑफ द फूड, ये जो हम खाते पीते हैं इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। बाज़ औक़ात हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते और ऐसी चीज़ें इंजेस्ट कर लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं, और वो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, दे ऑल्सो हैव टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। उनमें क्या क्या हैं, पेस्टिसाइड्स हैं आप जानते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से समटाइम ये पेस्टिसाइड्स उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, और जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये भी उस फूड के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। फिर इसके अलावा ड्रग्स हैं, तो एलोपैथिक ड्रग्स हम जाहिर है लेते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस में, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक्चुअली किस वजह से होते हैं कि ये जो ड्रग्स के मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं इनकी जब बॉडी में जाके ब्रेकडाउन होती है तो फिर जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिनका बॉडी से निकल जाना ज़रूरी होता है। फिर फूड एडिटिव्स हैं, फूड एडिटिव्स किने कहा जाता है, ये जो मुख्तलिफ किस्म की प्रिपेयर्ड फूड हम लेते हैं मार्केट से, हम मुख्तलिफ प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं, डिब्बों में बंद खुराक लेते हैं, तो उसके अंदर वो क्या चीज़ शामिल करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को शामिल करते हैं, उनको शामिल करना पड़ता है क्योंकि वो जो बंद डिब्बों वाली या पैकेट वाली खुराक है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उनको ज़्यादा देर प्रिजर्व रखने के लिए, उनका फ्लेवर जायका बेहतर रखने के लिए, उनको स्पॉयल होने से बचाने के लिए, उसमें डिफरेंट कलर्स लाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फूड एडिटिव्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स शामिल किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, फूड एडिटिव्स। तो ये जो केमिकल्स हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, हार्मफुल हैं, तो लिहाजा इनको भी हम शामिल करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स में, या हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में जिनका बॉडी से बाहर जाना ज़रूरी है। तो ये बच्चों हमने देखा कि ह्यूमंस की बॉडी में कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से ये जो वेस्ट है उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है, तो वो हम देखते हैं जी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस फॉर एक्सक्रीशन, तो मेनली वो कौन कौन से हैं, एक लिवर है और दूसरा जो है वो किडनी है। टू मेन ऑर्गन्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, वन इज लिवर एंड द अदर इज किडनी। जो लिवर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन भी कहा जाता है। उसकी वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लिवर में होते हैं, पूरी बॉडी में किसी जगह पर इतने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होते जितने लिवर में होते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन के तौर पर काम करता है। इसके अलावा ये सेंट्रल
metabolic clearing house के तौर पर भी act करता है. Central metabolic clearing house. मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? जो अभी हमने मेटाबॉलिक वेस्ट पढ़े हैं उनको बॉडी से क्लियर करने के लिए, उनको बॉडी से निकालने के लिए ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है. किसकी हेल्प करता है? किडनीज की हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? ये डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करता है ताकि फिर उनको किडनी की तरफ भेजा जाए और वो किडनीज जो है उनको बॉडी से डिस्पोज ऑफ कर दें. फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनमें कौन से हैं जो ये सिंथेसाइज करता है? अमोनिया है, NH3, यूरिया है और यूरिक एसिड है. ये वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो कि लिवर सिंथेसाइज करता है. सिंथेसाइज करने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर देता है टुवर्ड्स द किडनी फॉर देयर डिस्पोजल. ठीक है जी. लिवर के साथ साथ यहाँ पे एक और ऑर्गन का जिक्र है जिसका नाम है बच्चों स्किन. और स्किन के हवाले से डिफरेंट ओपिनियंस हैं और उसकी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि जो कैन वी कंसिडर स्किन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन और नॉट. तो इस हवाले से हम डिस्कशन करते हैं स्किन को लेकर कि क्या हम इसे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर कर सकते हैं या नहीं. तो हम देखते हैं कि स्किन में दो मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स हैं. आप जानते हैं स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, उनमें स्वेट ग्लैंड्स हैं और उनके अंदर सीबेशियस ग्लैंड्स हैं. स्वेट ग्लैंड्स हैं और सीबेशियस ग्लैंड्स हैं. तो जाहिर है ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपनी एक्टिविटी करते हैं. जब ये स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं. और ये जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं. सीबम क्या है? दिस इज एन ऑयली सीक्रीशन. सीबम जो है ये ऑयली सीक्रीशन है जो हमारी स्किन के सतह पर हर वक्त थोड़ी सी बरकरार रहती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने से बच जाती है. इसका एक काम तो ये है कि स्किन को ड्राई ना होने दिया जाए और दूसरा काम ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी वजह से स्किन को अगर कोई डैमेज हो सकता है तो स्किन को प्रोटेक्ट किया जाए. यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं दीज आर मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन. और ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं. स्वेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेटिव कूलिंग होती है और उसकी वजह से जो बॉडी हीट है कम होती है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं दे आर मेंट फॉर थर्मो रेगुलेशन. दे द स्किन हैज़ बिन अडाप्टेड इन दिस रिगार्ड के जिसकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग हो सके. तो ये जो इसके ग्लैंड्स हैं स्किन के इनके अगर हम फंक्शंस को देखें तो फिर ऐसे लगता है कि वी कैन नॉट कंसिडर द स्किन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रादर वी कंसिडर इट एज एन ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन. क्योंकि अगर इसको कंसिडर हम कर लें एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो फिर होल ऑफ द ईयर इसको एक्सक्रीशन करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है. स्वेट ग्लैंड जो हैं ये समर में जब बॉडी हीट बढ़ती है तभी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो लिहाजा ये उसी वक्त काम करते हैं. इसलिए इसको थर्मोरेगुलेशन के हवाले से तो कंसिडर किया जा सकता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के हवाले से कंसिडर नहीं किया जा सकता. इसके बाद बच्चों लिवर के कुछ फंक्शंस हैं जिनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.